बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। लेक्चर नंबर 5 डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे जनाब। तो लेक्चर नंबर 5 डेटा स्ट्रक्चर में इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि आपने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज आप एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी 4 साल डिग्री के अंदर, जिसमें से आपने 2 सेमेस्टर कर लिए, तीसरे में आप आए। अब यहां से ऑनवर्ड ये कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा, डेट इज कॉल्ड द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मैं अगर आपको बताऊं तो आपका पेपर कंसिस्टेंट होता है जनाब 10% आपके पहले लेक्चर पे, जो कि मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट या लिंक डेटा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। आपका 30% पेपर आता है जनाब स्टैक से। इसके अलावा आप आगे जाके क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां से, और आपका जो रिमेनिंग पेपर होता है वो आपका आता है जनाब ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। ये चीज़ें क्या होती हैं आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट एट दैट टाइम वी हैव टू बेसिकली मूव टू द 30% पार्ट ऑफ द पेपर डेट इज कॉल्ड एंड डेट इज कंसिस्ट ऑफ द स्टैक। देखिए स्टैक के ऊपर से हम पढ़ने से पहले वो आपको एक प्रीवियस लेक्चर का तमाम कॉन्सेप्ट बता रहा है, और मेरा ख्याल नहीं मुझे आपको आप ये बताने की जरूरत है। सिंपल वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करना चाहते हैं, आप डेटा को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं, किसी नोड को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तमाम तर काम मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आप लोगों को काम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे जनाब बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक लीनियर जो है वो लिस्ट है, उसके अंदर आप हेड पे आ गए हैं, तो हेड से प्रीवियस वे में या प्रीवियस पोजिशन के ऊपर आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है वो लिंक लिस्ट बना रहे हैं जो कि सर्कुलर है, उसके अंदर आप बड़ी आसानी से हेड के ऊपर आ गए, तो आप प्रीवियस में मूव कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको जो टोटली तौर पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंपल आपको बता रहा है जो मैंने आपको इसके अंदर बताया था, ये जो मैंने आपको करके बताया था। तो सिंपल इस चीज़ को आपको जो है वो दोबारा हाईलाइट कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि मुझे अब इस चीज़ को स्किप आउट कर देना चाहिए, और मुझे अब आपको नया डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बताना चाहिए। स्टैक जनाब, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला कौन सा है, स्टैक होता क्या है। स्टैक बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। इस चीज को याद कर लीजिए, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके ऑर्डर्स को, आपके एलिमेंट्स को अरेंज करता है लीनियर ऑर्डर के मुताबिक। एक और बात स्टैक की बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द लीफो डेटा स्ट्रक्चर। वो आप आइंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप स्टैक को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, और स्टैक के अंदर आपने अपने एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से आप, जिस तरह आपने प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा, रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, और एलिमेंट्स को एक वे में लेके आके उससे डेटा को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। स्टैक एक कलेक्शन है एलिमेंट का जो कि अरेंज होता है लीनियर ऑर्डर के मुताबिक। अच्छा, अब इसके बाद स्टैक से आप कर क्या कह सकते हैं, स्टैक के ऑपरेशंस को देखिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टैक से आप ऐड कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड, और आप मूव कर सकते हैं जनाब बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैक के, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि लिस्ट के अंदर आपने नेक्स्ट पे जाना है, तो मैं क्या कॉल करता हूँ, एन फॉर नेक्स्ट। अब आपने रिमूव करना है एलिमेंट को, तो मैं क्या कॉल करता हूँ, आर फॉर रिमूव। तो इसी तरह से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके आगे तमाम तरह डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, पुश, पुश का मतलब होता है इंसर्ट एक्स, इंसर्ट कर दो एक्स को एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए एक्स को। यानी कि अगर आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, स्टैक के अंदर किसी भी चीज को डालना है, किसी भी चीज को ऐड करना है, पहले नाम था ऐड, बड़ी आसानी समझ आती थी जनाब ऐड कर दो, लेकिन स्टैक के अंदर एक नाम आ गया पुश, यानी कि एलिमेंट को डाल दो। पॉप, पॉप का मतलब होता है निकालना। अगर आपने एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट को पॉप करेंगे। एट द एंड जनाब टॉप, टॉप का मतलब होता है रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। अगर आपने टॉपेस्ट एलिमेंट को, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को अगर आपने रिमूव करना है स्टैक पे से, तो आप टॉप की कमांड लिखते हैं। अब लिखने का तरीकेकार क्या होता है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 ऑपरेशंस आपके पेपर के हवाले से और आपके पूरी डिग्री के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल है। नेक्स्ट देखें, वही बात बार आपको चीज़ें बताएगा अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं एक अच्छी तरीके से, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पुश का मतलब एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, डालना, ऐड करना। पॉप का मतलब एलिमेंट को निकाल लेना। टॉप का मतलब, टीओपी, टॉप का मतलब एलिमेंट्स को जो कि एक फ्रंट पे पड़ा हुआ है, उस एलिमेंट को रिमूव कर देना स्टैक में से। अभी एलिमेंट को रिमूव किया कैसे जाता है स्टैक में से, क्या मामला होते हैं, इस चीज़ को आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास है जनाब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब आपने बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। नंबर कोई भी आपके पास, देखिए वो कहता है पुश टू,
अब ये आपके पास एक स्टैक है, पहले आपके पास स्टैक ये इस तरह की होती है खाली, सिंपल काम करना है आपने। ये देखें मैं क्या कहता हूँ, पुश टू, इस पुश कर दो इसको टू। अब टॉप क्या है, टॉप आपके पास सबसे आखिर में आने वाला एलिमेंट है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एलिमेंट, देखें एक ही एलिमेंट है और अगर मैं निकालूंगा ना टॉप करूंगा तो यही एलिमेंट निकल सकता है। तो पुश टू, टू पुश हो गया। पुश फाइव, देखें टू उसके अंदर ऑलरेडी था, फाइव का आएगा डेफिनेटली, इसके ऊपर आ जाएगा फाइव, तो आपने फाइव को पुश किया। अब टॉप क्या बन गया, जो आपके पास लेटेस्ट एलिमेंट होता है ना, यानी सबसे बाद में आने वाला एलिमेंट, उसको हम कहते हैं ये टॉपेस्ट एलिमेंट है। जिस तरह टॉप का मतलब होता है कि इसने बोर्ड में टॉप किया है, इसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं, यानी सबसे आगे, तो सबसे आगे वाला, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा वो टॉप का होगा। पुश सेवन, दोबारा से आप सेवन को पुश करते हैं, टू फाइव और सेवन, पुश वन, आप पुश करते हैं दोबारा टू फाइव सेवन और वन, इस तरह से आपने सिंपल काम करना है। ये बड़ा आसान स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, अब वन को पॉप करो। अब पॉप का मतलब आपने याद रखना है निकालना, पुश का मतलब आपने इंसर्ट किया एलिमेंट को, और पॉप का मतलब कि अब आपने वन को निकालना है। पहले आपके पास क्या था, ये देखिए पहले आपके पास था जनाब ये वाला वन, अब वो कह रहा है कि इस वन को क्या करो, पॉप करो। पॉप का मतलब निकाल दो, वन को आपने देखें यहाँ से वन पड़ा हुआ था, आपने इसको क्या किया, निकाल दिया। अब टॉपर्स एलिमेंट कौन सा बन गया, अब देखें पुश 21, 21 को दोबारा से पुश करो, ऐड करो, तो टॉप एलिमेंट दोबारा से जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसे हमने 21 कह दिया और यही टॉप एलिमेंट है। दोबारा कहता है पॉप 21, यानी इस 21 को हमने निकालना है, इसको भी निकाल दिया। फिर कहता है पॉप 7, इस 7 को भी पॉप कर दो, यानी इस 7 को भी पॉप मतलब निकाल दो। उसके बाद देखें पॉप 5, इस 5 को भी क्या करो, निकाल दो। और अब टॉपेस्ट एलिमेंट पहले 5 था, जब वो निकल गया तो टॉप एलिमेंट कौन सा रह गया, दोबारा से 2 ही रह गया। तो इस तरह से आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वर्किंग करनी है, जो कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने काम करना है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है जो मैंने आपको समझा दी है ऊपर इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आती है जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको एक बड़े बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड स्टैक इज कॉल्ड या स्टैक इज नोन एज लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो बेसिकली इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है पहले आओ और सब, यानी आखिर में आओ और पहले चले जाओ। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि मेरे पास एक किताबों का बंडल है, देखिए मैं इसको आपको पेंट के अंदर ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक किताबों का बंडल है, अब इस किताब के बंडल के अंदर क्या हो सकता है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं अगर कर दे, ओके देखिए मेरे पास ये किताब का बंडल है, मैंने क्या किया इस तरह से, ये वन किताब है, ये टू है और ये थ्री है। मैंने सबसे पहले इस किताब को पकड़ा, मैंने नीचे रख दिया, इसके बाद मैंने इस किताब को पकड़ा, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, इसके बाद मैंने इस किताब को पकड़ा, मैंने इसको सबसे ऊपर रख दिया। देखिए लास्ट में मैंने इसको पकड़ा था लेकिन फर्स्ट पे चली गई ये, तो ये एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी ये लीफो है कि लास्ट इन, क्या क्यों, ये लास्ट में आया और फर्स्ट आउट, सबसे पहले जब मैं निकालूंगा ना किताबों को, यानी मैं पकड़ूंगा तो यही किताब मेरे पास आएगी, तो लास्ट में मैंने रखी और फर्स्ट मैंने इसको निकाल लिया, फर्स्ट मैंने इसको आउट कर दिया। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है जनाब, स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये मस्ट है, आपके पेपर में आएगा। तो स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर, मीन्स टू से लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके अंदर एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या एग्जीक्यूशन होती है, सबसे पहले आपको बता रहा है कि अब आपने इसको अरे के मदद से अंडरस्टैंड करना है कि अरे के अंदर कैसे काम होता है जनाब। तो ये सारा काम डिस्कस मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। अरे के अंदर इसका काम कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक अरे होगी, वो अरे मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं। तो देखिए अब आपने वो अरे को क्रिएट करना है, अब अरे को आप कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल आपकी अरे जो होती है ना वो इस तरह से होती है जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी तरह से होती है आपकी अरे। अब आप मैं आपसे वही काम जिस तरह आपने लिंक लिस्ट के अंदर किया था, अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें लीफो को आपने बस फॉलो करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कैसे, नंबर आपके पास है 2, 4, 6, फर्स्ट करने, अब यहाँ पे पड़ा होगा जी 2, फिर उसके बाद मुझे कहना पड़ेगा पुश 4 कि 4 को दोबारा पुश करो, तो मैंने इसको किया 4, उसके बाद मुझे कहना पड़ेगा पुश 6, 6 को पुश कर दो, तो मैंने 6 को पुश कर दिया। अब मेरे पास देखिए टॉप एलिमेंट कौन सा है, ये वाला टॉप एलिमेंट है, पुश मैंने किसको किया, सबको पुश किया। अब मुझे जब निकालना पड़ेगा ना, तो मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस 6 को निकाले बगैर ही 4 को निकालूं, अब ये शर्त जरूरी है अरे के अंदर कि आपको इस 6 को पहले खत्म करना है। अब मैं कहूंगा पॉप, पॉप का मतलब निकाल दो, पीओपी पॉप, पॉप का मतलब निकालने के बाद किसको, 6 को, तो पॉप 6 करो, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 खत्म हो गया, 6 के बाद अब आपके पास टॉप एलिमेंट कौन सा बन गया, 4 बन गया। अब आपको मैं कहूँगा पॉप 4 को भी क्या करो, निकाल दो, पॉप 2 को भी निकाल दो। अब आपका लिंक या जो आपका जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो एम्प्टी बच गई, तो ये आपके पास अरे खाली बच जाएगी। तो इस तरह से ये अरे के अंदर काम करता है, यही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे पुश
और पॉप, इन दो चीजों को देखना है और इन्हीं दो चीजों को आपने याद रखना है। यही दो चीजें आपके पेपर के वाले से और आपके डेटा स्ट्रक्चर के वाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये देखिए सिंपल एग्जांपल वो आपको दिखा रहा है जो मैंने आपको बताई थी अभी पीछे बना के, और यही हाँ ये याद रहे कि लीफो के मुताबिक जिस तरह देखें, अब आखिर में नंबर था वन, ठीक है। अब इस वन ने पहले निकलना है, टॉपेस्ट नंबर कौन सा है, थ्री टॉपेस्ट है, ठीक है। अब ये इस वन को निकालेंगे फिर सेवन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वन पड़ा हुआ सेवन निकल जाए। ये इस तरह की शर्त लाजिम है कि आपने पहले लास्ट वाले नंबर को जो है वो निकालना है, फिर उसके प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस और फिर उससे प्रीवियस। अब ये देखें इसको आपने प्रीवियस में या आपने इसको जो डेव सी प्लस प्लस है उसकी कोडिंग में कैसे लिखना है जनाब, देखें इंट, इंट डेटा टाइप है क्योंकि हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर जो है अपने स्टैक के अंदर डालना है, पॉप यानी कि निकाल दो, पॉप कर दो, रिटर्न ए। अब रिटर्न का मतलब कि अब अरे को रिटर्न करो, और याद रहे अरे को हम हमेशा लार्जर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके पास ये लार्जर ब्रैकेट्स होती है ना, आपने समझ जाना कि यहाँ पे हम अरे की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि पॉप करो करंट माइनस माइनस। अब देखिए करंट यहाँ पे भी आपके पास एक करंट पॉइंटर होगा, एक करंट वेरिएबल होगा। अब आपने माइनस माइनस कि उसको पॉप का मतलब निकालना कि जो करंट था, करंट कौन सा था, बिल्कुल लास्ट वाला जिसने मैंने आपको बताया था। देखें अब यहाँ पे आपको करंट आपके पेपर में नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपने खुद समझना है। ये देखिए ये करंट है क्योंकि ये निकलेगा तो इसके बाद इसने निकलना है। ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका करंट है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे ये करंट है, उसके बाद ये वाला आएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा। अब ये रिमूव हो गया तो फिर आपका करंट ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये रिमूव होगा तो फिर आपका करंट ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपने ऐड करना है तो अब आप ऐड कैसे करेंगे, चूंकि ये करंट है, अब आप इसके बाद ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बेसिक वर्क करना है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस तरह से काम जो है वो करना होता है। टॉपेस्ट एलिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आपका पहला एलिमेंट होता है इज एम्प्टी। देखिए अगर आप लिस्ट को खाली करना चाहते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे हम इसको ए करके डिलीट करें, तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इस लिस्ट को खाली करना है, सिंपल। अब देखें इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह मैं अगर खाली करना चाहता हूँ तो मैं इज एम्प्टी का ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल करूंगा। इज एम्प्टी का मतलब होगा कि लिस्ट को क्या कर दो, खाली कर दो और सारी मेमोरी हमारे लिए फ्री कर दो, और आपके पास सारी मेमोरी फ्री होके आ जाएगी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए इज एम्प्टी का ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे। अगर आपके साइज फुल हो गया तो आप वहाँ पे इस तरह के सिंटैक्स को लगाएंगे, इंट इज फुल। अगर फुल हो गया तो मुझे बताओ कि फुल हो गया, तो आपका कंप्यूटर आपको मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। जिस तरह आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की मेमोरी भरती है ना, जब आप फर्ज करने 128 GB है तो वो भर जाती है, तो भरने के बाद क्या होता है, आपको मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर भी आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा काम है। देखिए आपने क्लास बना ली एक स्टैक की, अब आपने पब्लिक पार्ट रखा स्टैक साइज, अब आपने स्टैक का साइज सेटअप किया कि स्टैक का जो साइज है वो 10 है, 10-1, यानी कि अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर आप CS201 के अंदर पढ़ के आए हैं। अब कंस्ट्रक्टर के बाद आपने क्या किया, आपने पुश किया। पुश का मतलब आपने चीजों को ऐड किया, चूंकि देखें जब आप चीजों को पुश कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे साइन देखें प्लस प्लस, अगर आप चीजों को पॉप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे साइन देखें माइनस माइनस। तो इसका मतलब है कि पुश का मतलब डाल दो, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट का पॉप का मतलब निकाल दो या वापस कर दो। उसके आगे देखें, अब आप सिंपल यहाँ पे हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका होल कोड नहीं है, सिंपल आपको बता रहा है कि आपने पेपर के अंदर या आपने जो आपका प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपने कैसे इसको रीड आउट और राइट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल एक चीज बता रहा है, इसका आउटपुट भी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आपके पास जनाब था लेक्चर नंबर 5। आई रिपीटेड द अगेन कॉन्सेप्ट, बेसिकली स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जब आपने किसी भी चीज को स्टैक, ये देखें जब आपने किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है तो पहले आपने ये जो टॉपेस्ट एलिमेंट होगा इसको आपने खत्म करना होगा। जब टॉप खत्म हो गया तो इसके बाद ऑप्शन आपके पास 4 का आएगा। अब 4 खत्म होगा तो इसके बाद आप आखिरी या फर्स्ट एलिमेंट पर जा सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं ये हमारे पास एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, और लीफो के अंदर हमने ऑर्डर को मेंटेन जो है वो करना होता है। तो ये आपका एक टोटल कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका मस्ट यहाँ से पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अच्छी तरह हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।